हेलो यूट्यूब, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे प्लेन फैब्रिक में इसको डिज़ाइनर साड़ी बनाना है। तो चलो मैं आज आपको वीडियो में बताती हूँ कैसे लेसेस में कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो ये है पेपर सिल्क का फैब्रिक है और मैरून कलर है। तो इसके साथ मैं लेने वाली हूँ इस लेस। तो ये लेस तो 9 मीटर का आता है। देखिए इसका डिटेलिंग कितना अच्छे से दिख रहा है, शायद आपको दिख पा रहा हो। तो मैं क्या करने वाली हूँ, तो इस लेस को फुल फैब्रिक में इस तरह से बॉर्डर देने वाली हूँ। सो इसको सिलाई लगा के फिर हम करेंगे पैचवर्क। तो पैचवर्क करेंगे तो ऐसे छोटे मोटे मोतीज लेंगे और ऑल ओवर स्टिक कर देंगे, तो ऐसे बनेगा इस डिज़ाइनर। तो मैं इसको रेडी करके अगले वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल आपको मैं दूसरे दूसरे फैब्रिक्स का कलर और कॉम्बिनेशंस आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट ये हुआ पेपर सिल्क, दो ये है तो डबल शेड है, शायद आपको दिख पा रहा हो। तो ऑरेंज कलर और पिंक कलर दोनों मिलकर है। तो इसमें भी मैं सेम वाला लेस में आपको एंटिक वाला कलर को लगा के दिखाने वाली हूँ। ये है एंटिक। तो पहले हम देख रहे थे कि गोल्ड, डार्क गोल्ड, तो इसी में फ़र्क होता है। तो ये क्या है, ये तो एंटिक पीस से थोड़ा डिफरेंट लुक लाता है। तो इसको भी ऐसे ही हम सिलाई लगा के हम पैचवर्क करके फुल डिज़ाइनर करेंगे। ये भी आपको मैं अगले वीडियो में फिनिश करके बता रही हूँ। तो ये हुआ इस लेस का बात, और अब हम जाएंगे तो इस कलर का। ये तो डार्क नेवी ब्लू है, ये भी पेपर सिल्क है। इसी में मैं ले रही हूँ ये मिरर वाला लेस। तो इसको इधर ऐसे, जो लेस में ऐसे आ रहा है तो इसको तो हम कुछ और भी लेस से पैचवर्क करना है। अगर आपको सिंपल चाहिए हो तो आप छोटा सा बारीक लेस से कर सकते हैं। अगर आपको ब्रॉड चाहिए हो तो आप थोड़ा सा इस तरीके का बड़ा लेस भी ले सकते हैं। तो ऐसे मिला करके देखने से थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये देखिए, ये सिलाई के बाद ऐसा दिखेगा। तो अगर आपको इस लेस सिंपल दिख रहा है तो इसमें फुल आप स्टोन्स भी लगा के इसको ग्रैंड कर सकते हैं। तो ये कपड़ा तो लगभग 400-450 में आ जाता है 6 मीटर्स। तो उसके बाद में ये लेस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आराम से 800 या 900 में आपको ऐसे सारीज आ जाते हैं, अगर आप घर में ही सिलाते हो तो। अभी फ्रेंड्स ये देखिए, जो मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है उस साड़ी को आपको मैं मॉडल में दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये भी एंटीक लेस वाला साड़ी है। इसमें मैंने क्या किया है, गोल्ड वाला क्लॉथ को 2 इंचेस में लेकर के ऑल ओवर साड़ी मैंने सिलाई लगा दी है। फिर इसका ऐसा मोती और स्टोन्स का लेके पैचेस बना करके इसको स्टिच किया है। ये देखिए, ये हुआ पल्लू, और इसी में भी ऐसा डिज़ाइन आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स को बीच बीच में लगा करके इसको बना दिया ना डिज़ाइनर। ये देखिए, तो चले हम नेक्स्ट साड़ी में जो मैंने दूसरा बनाया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये तो पीच कलर साड़ी है। इसका ये देखिए कितना प्यारा लेस है। ये पीच कलर के साथ में मैंने रॉयल ब्लू कलर का लेस लगवा दिया है। ये तो प्योर टफेटा सिल्क है, जो अच्छे से पार्टी गाउन्स बनते हैं। तो इसमें क्या है, ऑल ओवर मैंने एम्ब्रॉयडरी भी कर दिया है बूटास का। तो इस
में ये देखिए इसका लेसेस का जो भी बचा हुआ पैचेस है ये भी मैंने दे दिया है, तो इसका डिज़ाइनर लुक आ ही जाता है। ये देखिए तो अगर जो सिंपल पसंद आए तो मोतीस नहीं लगाते तो एम्ब्रॉयडरी वर्क ऐसे कर देते, अगर थोड़ा ग्रैंड भी चाहिए हो तो आपको ऑल ओवर स्टोन्स भी लगा देते। तो दोस्तों और एक गोल्डन कलर भी वर्क किया हुआ है मैंने, देखिए ये भी पेपर सिल्क साड़ी है, इसमें ब्लैक बॉर्डर लगाया हुआ है और इसको फुल सारीज में ऐसे स्टोन्स भी लगाया हुआ है और पल्लू में क्या है तो जरदोसी वर्क से एम्बलिश किया हुआ है, एक बहुत बड़ा मैंगो भी किया हुआ है जो कि ये स्टोन विथ जरदोसी वर्क है, शायद आपको क्लियर दिख पा रहा हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो ये आप हम आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि अगले वीडियोस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आप इसका वेट कीजिएगा, जो भी सारीज मैंने आपको बनाया था बताया था मैं उसको फिनिश करके बता दूंगी, ये एक सारी वर्क करते हुए भी आपको वीडियो अलग से डाल दूंगी। सो आप भूलिएगा मत, आप पक्का मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।